इंशाल्लाह आज की क्लास में भाई हम एमसेट प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ये पहली क्लास है एमसेट की। एमसेट भी कवर करेंगे इंशाल्लाह, और थोड़े क्वेश्चंस जो है आगे के मेंस के और जो है आईआईटी के क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। तो पहले थोड़ा आज की क्लास में लाइट बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है सिनोनिम्स इंशाल्लाह वो देखेंगे। सबसे पहले क्या है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इसका फॉर्मूला रहेगा पी ऑफ इक्वल्स टू एम बाई एन। एन बोलते हैं टोटल आउटकम्स, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसके रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके टोटल आउटकम्स को एन से बताएंगे, और एम यानी फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स किसको बोलते हैं आर्टर ना, जिसके बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन जिसके बारे में पूछा जा रहा उसको बोलेंगे हम फेवरेबल इवेंट्स। जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे उसको एम से बताना फेवरेबल इवेंट्स। और याद लेना ई और ई बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रहते हैं। ई बार इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इवेंट ई, यानी उसका उल्टा बोले उसका ऑपोजिट। सपोज ई बता रहे हम नंबर ऑफ बॉयज से, तो ई बार का मतलब होता है नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर ई बता रहे हम ऑड इवेंट से, है ना, ऑड नंबर से मिसाल के तौर पर, तो ई बार बोले सर इवन नंबर। तो एक दूसरे का ऑपोजिट, ई अगर इवेंट ऑफ है ना पासिंग, तो ई बार क्या रहेंगे इवेंट ऑफ फेलिंग। तो याद रखना है दोनों को ऐड कर तो हमेशा वन होता है। पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल्स टू वन। इसमें से पी ऑफ ई क्या हो जाएगा वन माइनस पी ऑफ ई बार हो जाएगा वन माइनस पी ऑफ ई। और प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहेंगे जीरो और वन के बीच में रहेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। पी ऑफ इक्वल्स टू अगर जीरो आ गया तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। जैसा एक क्लास है जिसमें पूरे बॉयज है, तो क्वेश्चन ऐसा कुछ समझो नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट इन द क्लास, तो क्योंकि पूरे बॉयज से गर्ल्स तो है ही नहीं, तो वो इवेंट क्या है इम्पॉसिबल इवेंट बोल सकते हैं इसको। वैसे सर्टेन इवेंट पी ऑफ इक्वल्स टू वन है तो सर्टेन इवेंट। जैसे बच्चा जो हम जो हंड्रेड ऑफ टॉफ हंड्रेड ले गया तो क्या होता है वन होता है सर्टेन इवेंट बोली है। तो पी ऑफ इक्वल्स टू वन इज सर्टेन इवेंट। अब उसके बाद एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी देखिए आप लोग। एडिशन थ्योरम अगर टू इवेंट्स है समझो ई वन और ई टू, तो P of E1 union E2 होता P of E1 plus P of E2 minus P of E1 intersection E2। इसको ऐसा भी याद रख लेना, ऐसा ले सकते इसको 1 minus P of E1 bar intersection E2 bar। वैसे अगर तीन है समझो P of E1 union P of E2 union P of E3, पहले एक एक लिखना P of E1 plus P of E2 plus P of E3। अब दो दो माइनस होते हैं इंटरसेक्शन, माइनस पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू माइनस पी ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री माइनस पी ऑफ ई थ्री इंटरसेक्शन ई वन, फिर लास्ट में प्लस तीनों का इंटरसेक्शन पी ऑफ ई वन प्लस पी ऑफ ई टू प्लस पी ऑफ सॉरी पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री। इसको भी और एक तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं याद है ना, वन माइनस पी ऑफ ई वन बार इंटरसेक्शन ई टू बार इंटरसेक्शन ई थ्री बार। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको बोलते हैं, अगर एक इवेंट हो रहा तो दूसरा क्या होता, सपोज ई वन ऑकर करा तो कैसे भी ई टू ऑकर नहीं करता, तो ऐसे इवेंट्स को बोलते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। उसमें इंटरसेक्शन जीरो आता, इंटरसेक्शन हाँ उसका फाइव सेट होता। मिसाल के तौर पे हेड ऑकर हो रहा तो टेल ऑकर हो ही नहीं सकता, तो हेड और टेल को बोलते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यानी जब हेड आ गया तो टेल आ नहीं सकता, टेल आ गया तो हेड आ नहीं सकता, तो ऐसे इवेंट्स को बोलते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है इंटरसेक्शन जीरो आता, क्योंकि ए है तो बी नहीं है वैसे, बी है तो ए नहीं बोले सा, तो ई वन है तो ई टू नहीं, ई टू है तो उस से इंटरसेक्शन जीरो, दो हो या तीन हो उस से फॉर्मुलेस क्या होंगे, इसमें से इंटरसेक्शन निकाल डालो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए देख सकते हम पी ऑफ ई वन यूनियन ई टू इक्वल्स टू पी ऑफ ई वन प्लस पी ऑफ ई टू, इंटरसेक्शन जीरो हो गया बोले सा। वैसे पी ऑफ ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री इक्वल्स टू पी ऑफ ई वन प्लस पी ऑफ ई टू प्लस पी ऑफ ई थ्री। नेक्स्ट देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब यूज होता है ना, एक इवेंट मालूम करो बोल के बोलता हूँ, पहले से एक ऑलरेडी एक इवेंट ऑकर हो जाता, पहले से एक इवेंट दे डालता फिर दूसरा इवेंट मालूम करो बोलता, जैसा पी ऑफ ई वन गिवन ई टू, यानी इवेंट मालूम करना है पहले से ई टू दे डाला, ऐसा पढ़ेंगे इसको पी ऑफ ई वन गिवन ई टू, यानी वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑलरेडी ई टू हैज हैपेंड, पहले से ये हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ऊपर इंटरसेक्शन आता याद करने के लिए बताऊँ मैं, नीचे ई टू है ना पी ऑफ ई टू। वैसे पी ऑफ ई टू गिवन इवन यानी क्या मान कर रहे हैं प्रॉबर्टी ऑफ ई टू मान कर रहे हैं, पहले से ई वन दे आला, ऊपर क्या है इंटरसेक्शन पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू बाई नीचे क्या है ई वन, तो पी ऑफ ई वन।
वैसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम याद है ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू। मल्टीप्लिकेशन क्या बोलते हैं, पी ऑफ ई वन इंटू ई वन हो गया इंटू पी ऑफ ई टू गिवन ई वन, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो साथ से, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अगर ई वन लिख डाले तो पी ऑफ ई टू गिवन ई वन, ई टू लिख डाले तो ई वन गिवन ई टू, यानी ई टू इंटू ई वन इंटू ई टू बोले साहब। लेकिन कंडीशनल प्रॉपर्टी है तेरा, डिपेंडेंट इवेंट्स बोलते उसको। अगर वही इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो सीधा मल्टीप्लाई करना, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए रहता पी ऑफ ई टू गिवन ई वन पी ऑफ ई टू बराबर हो जाए। एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ा, एक इवेंट का होना या ना होना दूसरे इवेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ा, ऐसे दो इवेंट्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सपोज एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे इफेक्ट पड़ा समझो, तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। हम जब क्वेश्चंस करेंगे जब डिटेल में समझेंगे, अब यहाँ पे खाली फॉर्मल्स आते हैं। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो सीधा मल्टीप्लाई करना, पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इक्वल्स टू पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ई टू। अगर तीन है तो तीन, चार है तो चार, पी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री, क्या होंगे पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ई थ्री। वैसे बेयर्स थ्योरम, बेयर्स थ्योरम क्या रहेगा देखिए आप लोग, ये ऑलरेडी आप लोग इंटरव्यू में पढ़े ना, आप इसको शॉर्ट में जा रहा हूँ मैं तो क्वेश्चंस में, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो ना, ये पूरे सिनोनिम्स आप लोग याद रखना। बेयर्स थ्योरम क्या रहेगा, पी ऑफ ई के गिवन ए इक्वल्स टू, इसको याद करेंगे तरीका बताओ मैं, पी ऑफ ई के इंटू इसको उल्टा करना, पी ऑफ ए गिवन ई के, पी ऑफ ई के इंटू इसको उल्टा कर लो पी ऑफ ए गिवन ई के। नीचे करेंगे सिग्मा, यानी पूरे ऐड करना, कहाँ से कहाँ तक जितने एक्सपेरिमेंट्स हो रहा जितने है ना उस लिहाज से ऐड करना, उस हिसाब से सिग्मा आई इक्वल्स टू वन टू एन, सिग्मा आई इक्वल्स टू वन टू एन। सेम ये के बजाय आई लिख दो, के बजाय आई, पी ऑफ आई ई आई इंटू पी ऑफ ए गिवन ई आई, पी ऑफ ए गिवन ई आई। और एक फॉर्मूला आया था ना, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, कुछ ना ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, तो इसका फॉर्मूला आता है पी ऑफ ई इज टू पी ऑफ ई बार, ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ई बोल के दिया तो पी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन पी ऑफ ई, ऑड्स अगेंस्ट ई दिया तो पी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन पी ऑफ ई, उल्टा समझो, इन फेवर वो तो ई ई बार, अगेंस्ट वो तो ई बार ई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स को भी एक्सपेरिमेंट रहते हैं, उसके दो चीजें दो तरीकों से हो सकते हैं, एक तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या रहेंगे, द ऑल द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट में जितने आउटकम्स आते हैं, जैसे आप मैंने एक डाई उछाले तो आउटकम्स कितने आते हैं, सिक्स आते हैं है ना, अगर दो डाइस उछाले तो आउटकम्स कितने आते हैं, 36, तो इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं, सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस के माने भी वही है द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। वैसे याद लेना, अगर सपोज समझो ए वन कॉमा ए टू आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसको बोलते हैं अभी बताया ना, sum of the all outcomes, the total number of outcomes, and E is an any event, then ye formula yaad rakhna, P of E equals to P of A1 into P of E given A1 plus P of E2 into P of E given E2, P of A2 into P of E given A2. Next one dekhiye aap log, suppose total number of outcomes, agar ek die uchhale hum to total outcomes kitne aate hain, 6, दो डाइस उछाले तो सिक्स स्क्वायर लिखना 36, तीन डाइस उछाले तो सिक्स क्यूब 216। वैसे एन डाइस के लिए फॉर्मूला लिखा ना, एन डाइस आर थ्रोन देन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर एन सिक्स पावर एन। वैसे और एक कॉन्सेप्ट है याद रखना, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन एन कॉइंस आर टॉस्ड इज 2 पावर n, एक कॉइन उछाले तो टोटल आउटकम्स दो रहते 2 पावर 1, दो कॉइंस उछाले तो 2 पावर 2 4, तीन कॉइंस उछाले तो 2 पावर 3 8, वैसे जितने कॉइन्स हम टॉस करेंगे उस लिहाज से आउटकम्स रहते हैं। हम क्या है भाई, प्रीवियस क्लासेस में हम 10th क्लास में जो है प्रोबेबिलिटी पढ़े, वहाँ पे कार्ड्स के बारे में देखे हम, फिर भी थोड़ा लाइट रिवाइज कर रहा हूँ मैं क्वेश्चंस में जाने से पहले। अब एक बार रिवाइज कर लो, 52 कार्ड्स रहते हैं, हम सब को मालूम है 52 में से 26 रेड कार्ड्स रहते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स रहते हैं। अब 26 रेड में से 13 क्लब है ना, 13 स्पेड्स रहते हैं और 13 क्लब रहते हैं, सॉरी रेड लिखा है यहाँ पे ब्लैक कार्ड्स में, 26 ब्लैक कार्ड्स हैं और 26 रेड कार्ड्स हैं, ठीक है। अब रेड में क्या रहेंगे, 13 डायमंड्स रहेंगे, 13 हार्ट्स रहेंगे, 13 डायमंड और 13 हार्ट्स रहेंगे, और ब्लैक में 13 स्पेड्स रहेंगे, 13 क्लब्स रहेंगे। कैसा स्टार्ट करते हैं हम, ए से, ए रहता पहला नंबर, ए से लेके ए टू
3 4 10 तक आएगा। ये जैक क्वीन किंग डाल लेंगे, जैक को 11 भी बोलते हैं, क्वीन को 12 भी बोलते हैं, किंग को 13 भी बोलते हैं। तो जुमला 13 कार्ड्स है ना, और वैसे ही क्लब के 13 ए से लेके 10 तक जैक क्वीन किंग है ना, और वैसे ही पूरे। तो अपने से अगर ये पूछे समझो ब्लैक किंग्स कितने हैं, तो कितने आएंगे ब्लैक किंग्स, दो आएंगे ब्लैक किंग्स है ना। अगर ऐसा पूछे समझो रेड क्वींस, तो दो आएंगे रेड क्वींस है ना। ऐसी कोई भी क्वेश्चन जो है थोड़ा पूछता, सपोज ऐसा आ गया जो, और क्या रखते हैं ना, ये जो तीन कार्ड्स है इसको बोलते हैं फेस कार्ड्स, बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो जुमला फेस कार्ड्स कितने रहेंगे, फेस कार्ड्स जो है तीन 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 कितने हो गए 12, तो फेस कार्ड्स रहेंगे जुमला 12। तो इस पर कभी कभी क्या करता हूँ थोड़ा ट्विस्टेड करके क्वेश्चन पूछता हूँ। वैसे देखिए हमारे पास दो टाइप के ईयर्स होते हैं, एक है था नॉन लीप ईयर, जैसे हर साल हम जो है 365 डेज होते हैं, लेकिन फरवरी में क्या होता है चार साल में एक बार 29 डेज आते हैं, उसको बोलते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर डेज, लीप ईयर में कितने थे 366 डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में 365 डेज। इसको 7 से डिवाइड करो वीक्स कितने मालूम आते हैं, तो कैसे आएंगे 365 डेज रहेंगे 14 वीक्स रहेंगे, सॉरी 14 लिखा मैं, क्या है यहाँ पे 52 है ना, तो 52 वीक्स रहेंगे, 52 वीक्स और एक दिन बच जाए, एक रिमाइंडर है ना। वैसे यहाँ पे क्या आएगा 52 वीक्स प्लस 2 डेज रहेंगे। तो इस पार्ट में हमें सिर्फ जो है मैं थोड़े बेसिक्स फंडामेंटल्स बताया हमें, इससे हटके जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेंगी, फॉर्मुलेस की जरूरत पड़ेंगी, वहाँ पे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस लेके स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन आप लोग से गुजारिश है भाई इसको अच्छा रिवाइज कर लीजिए है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कंटिन्यूशन करेंगे इंशाल्लाह। या आप लोग से गुजारिश है भाई अगर आप लोग को समझ में आ रहा, फ़ायदा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इंशाल्लाह। तो ये आंसर की हमारी क्या है फर्स्ट क्लास थी इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी की, नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह इसमें प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे।